यूपी विधानसभा उपचुनाव 5 प्रत्याशियों ने पर्चे वापस लिए, 110 प्रत्याशी मैदान में। पटना बाढ़ में रामकृपाल यादव का निशाना, कहा नीतीश कुमार के अफसर फोन नहीं उठाते। आरबीआई ने घटाई जीडीपी वृद्धि दर, चालू वित्त वर्ष में अनुमान घटाकर 6.1% किया। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी से रिजेक्ट नेताओं के भरोसे दुष्यंत चौटाला की नाव। महाराष्ट्र में संजय निरुपम की कांग्रेस को चेतावनी, कहा अगर नहीं सुधरे तो पार्टी तबाह हो जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब यूपी की 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना तय किया गया था, क्योंकि इन सीटों के मौजूदा विधायक लोकसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। विधानसभा उपचुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन वापस ले लिए हैं और अब 11 सीटों के लिए होने वाले मुकाबले में 110 प्रत्याशी बचे हैं। ये जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने गुरुवार को दी। चुनाव आयोग के मुताबिक 10 सीटों पर 21 अक्टूबर को मतदान किया जाएगा और 24 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। भारी बारिश के बाद बिहार की राजधानी पटना की हालत को लेकर अब बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पाटिल पुत्र लोकसभा सीट से सांसद रामकृपाल यादव ने कहा कि पटना भ्रष्टाचार की वजह से डूबा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अफसर फोन नहीं उठाते हैं और कॉल बैक भी नहीं करते। रामकृपाल यादव ने कहा कि भ्रष्टाचारियों को फांसी पर लटका देना चाहिए। उधर आज पटना में सुबह सुबह एक बार फिर से टीमें बचाव और राहत के लिए निकली। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी थी, लेकिन आज सशस्त्र सीमा बल के जवान भी बाढ़ में अब लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर अनुमान घटाकर 6.1% कर दिया है, जो पहले 6.9% था। इसके अलावा आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए खुदरा मुद्रा स्फीति दर के अनुमान को मामूली संशोधन के साथ 3.4% कर दिया है, जबकि दूसरी छमाही के लिए मुद्रा स्फीति अनुमान को 3.5% से 3.7% पर बरकरार रखा। बता दें कि आरबीआई ने कमजोर पड़ती आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रमुख नीतिगत दर रेपो रेट में 0.25% की और कटौती कर दी। इस कटौती के बाद रेपो रेट 5.15% रह गई। रेपो रेट में इस साल में ये लगातार 5वीं कटौती की गई है। इंडियन नेशनल लोकदल में अलग होने के बाद दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है। अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जेजेपी की नाव और कांग्रेस बीजेपी से पाला बदलने वाले नेताओं के भरोसे हैं। जननायक जनता पार्टी ने 15 से ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों पर दांव लगाया है जिन्हें कांग्रेस और बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। बता रहे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 21 अक्टूबर को होने हैं और नतीजों का ऐलान 24 अक्टूबर को किया जाएगा। महाराष्ट्र में पार्टी से नाराज चल रहे कांग्रेस के सीनियर नेता संजय निरुपम ने एक बार फिर दोहराया कि पार्टी उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो पार्टी के चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी को सीखना पड़ेगा और बदले हुए माहौल के हिसाब के साथ काम करना होगा, अगर नहीं सुधरे तो कांग्रेस तबाह हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव के इन वक्त पर मुझे हटाया गया, मुझे दुख हो रहा है कि उस घटना का असर बढ़ता चला गया और आवश्यकता नहीं है। काम करने वाले लोगों को महत्व देना होगा, नहीं तो पार्टी की स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाएगी।